श्री विभूषित डॉक्टर राघवाचार्य ने की प्रेस वार्ता। स्थानीय मानस भवन में चल रही श्री रामकथा के कथावाचक अनंत विभूषित राघवाचार्य महाराज द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर दिए गए। वहीं उन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि मंदिर जल्द ही बनना चाहिए था, 5 सालों में सरकार ने क्या किया। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात भी कही। जो कोई नहीं खड़ा है इसको माना जाए समाज, हर व्यक्ति हर पार्टी अपने तरफ से, आज से बहुत पहले कांग्रेस ने एक कांग्रेसी शब्दों की समिति बनाई, एक संत समाज हमारे साथ रहे जिससे हमारा राजनीतिक भविष्य ठीक रहे। तो संत समिति नाम से, संत सभा नाम से एक संगठन बनाया। बाद में समाजवादी पार्टी ने भी समाजवादी संत सभा की स्थापना की, उसी के तरह अन्य पार्टियों ने भी किया। इस तरह से कहीं न कहीं जा करके संत समाज भी राजनीतिक दलों में बढ़ चुका। इस कारण से भी ये बहुत बड़ी समस्या राम मंदिर निर्माण के लिए आई। पद का लोभ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पद पे रहने पर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए पद का महत्व होता है। लेकिन पद का लोभ नहीं होना चाहिए, विशेष करके संत महात्माओं में तो पद का लोभ नहीं होना चाहिए। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने का संकल्प होना चाहिए। तो आप इस चीज़ की निंदा करते हैं कि नहीं? हम निंदा नहीं करते हैं, निंदा क्यों करेंगे? रमजान के दिन वोटिंग करने में क्या पड़ती है भाई? वोट तो देने के लिए 10 मिनट के लिए जाना, बाकी सारे कार्य होते रहते हैं। तो रमजान के दिन की वोटिंग हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं। उसको लेकर काफ़ी सभी जगह तनातनी का माहौल चल रहा है, ऐसा क्यों करा, जानबूझ के किया गया है? रमजान तो एक महीने का होता है, रमजान का महीना तो एक महीने का होता है, एक महीने तक रमजान चलता है रोजा। तो एक दिन कोई आपत्ति नहीं है। अब रमजान का महीना तो एक महीने तक रमजान चलता है, उसमें अगर किसी एक दिन वोटिंग है तो उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बल्कि रमजान में तो लोग खाते पीते नहीं, दिन भर खाली करते हैं, वोट देने के लिए कोई पूछ सकते हैं, जाते नहीं, वोट दे सकते हैं। और हमारे भी, हमारे यहाँ भी तो अनेक उत्सव होते हैं। बहुत ज़्यादा कर रहा है इसी कारण से ये कहीं पर मामला और सत्य है, इस सत्य से कोई तो वो लोग जो समिति के निर्माणकर्ता थे शुरू